खबरिया गंज से खबर जाता है। टेगल खुदी में नायब तहसीलदार को घेरा है ग्रामीणों ने। बगैर वारंट के घर घुसने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें, अवैध धान की आशंका पर कार्रवाई करने गए थे नायब तहसीलदार, मौके पर बेवकूफ पुलिस भी मौजूद है। आपको बता दें, गरियाबंद से खबर, टेगल खोटी में नायब तहसीलदार को घेरा गया है। बिना वारंट घर में घुसने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। अवैध धान की आशंका पर कर्मचारी गए थे। कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों ने अपना गुस्सा भी दिखाया। मौके पर देवभोग पुलिस भी मौजूद है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का वहां पर गुस्सा फूट पड़ा है। देवभोग पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तेतल खुटी में नायब तहसीलदार को घेरा गया है। बिना वारंट घर में घुसने से ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। अधिक जानकारी के लिए पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, गरियाबंद जिले के जो ओडिशा सीमा से घिरा हुआ देवभोग और मैनपुर विकास के कुछ केंद्र है, जहाँ पे लगातार जो है अफसरों की दबिश जारी है। पिछले 2 दिन से लगातार आला अफसरों की बड़ी कार्रवाई भी हुई है। वहाँ से करीब 17,000 पैकेट जब्त किया गया है। 2 दिन की कार्रवाई में आईजी स्तर तक कार्रवाई हुई। आज तीसरे दिन से नायब तहसीलदार जैसे ही तेतलकुटी पहुंचे, वहाँ चौक पहुंचने के बाद जैसे ही जहाँ से सूचना मिली थी उस घर में घुस रहे थे, तो ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और उन्हें पूछा, नियमावली पूछा उनसे कि किसकी शिकायत से आप जा रहे हैं या फिर कोई वारंट दिखाने की बात। तो ऐसी बातों को आपने वहाँ भड़का और वहाँ पे नायब तहसीलदार को घेर दिया गया है और करीब 200 से 300 ग्रामीण एकत्रित होकर वहाँ पे जमकर हंगामा मचा दिए हैं। और इसकी सूचना जैसे ही नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस वहाँ बल लेकर पहुंचे और वहाँ आला अधिकारी भी वहाँ पहुंच चुके हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। सभी मामला